हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि 14 जनवरी से रिजल्ट अपडेट हो गया था और कल के दिन में रिजल्ट फाइनल हो चुका है और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और बहुत सारे बच्चों का नहीं भी हुआ है, तो वो काफ़ी निराश है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि बहुत अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी उनके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स नहीं बढ़े हैं, और क्या ऐसा हुआ कि बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 20 टाइम्स लेना था, उतना नहीं लिए, एक ही बच्चे के अलग अलग लेवल में मार्क्स हैं। और इसको क्लेरिफिकेशन भी कर दिया है रेलवे ने कि एक ही बच्चे के अलग अलग लेवल में मार्क्स हो सकते हैं। तो जैसा कि CBT 1 खाली स्क्रीनिंग था, तो इसको स्क्रीनिंग ना बनाते हुए ग्रुप वाइज कट ऑफ उन लोगों ने निकाल दी है। तो मेरा खुद लेवल 5 में एक ही ग्रुप में मेरा सिलेक्शन हो रखा है। तो ग्रेजुएट जो बंदे थे उनको तो फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा क्या हुआ है, उनकी भी हाई कट ऑफ ही गई है। तो कट ऑफ सारे जोनों को लगभग लगभग, कोई ऐसा जोन नहीं है जहाँ कट ऑफ लो गई है, सारे जोनों की कट ऑफ आई गई है लगभग लगभग। लेकिन क्या था कि 12th बेसिस भी जो पोस्टें थी वो थोड़ा कम थी और ग्रेजुएट लेवल पे थोड़ा ज़्यादा पोस्टें थी। तो जैसे जो ग्रेजुएट थे उन लोगों को ज़्यादा फायदा हुआ था क्योंकि वो 12th बेस पे भी भर रहे थे फॉर्म और ग्रेजुएट लेवल भी भर रहे थे। बाकी जो 12th लेवल पे जिन लोगों ने फॉर्म भरा था वो लोग 12th पे ही फाइट कर रहे थे, उसी मेरिट पे फाइट कर सकते हैं, उन्हीं पोस्टों पे फाइट कर सकते हैं। तो उनकी कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा है कि लगभग लगभग सारी जोन्स में उनकी कट ऑफ बहुत हाई गई है। 90+ कट ऑफ उन लोगों की एवरेज कट ऑफ गई है 90+, जो 12th बेसिस पे जिन लोगों ने फॉर्म भरा था। तो एक फैक्टर तो ये हो सकता है कि नंबर ऑफ पोस्ट, और दूसरा फैक्टर हो सकता है कि जो कट ऑफ गई है बहुत ज़्यादा हाई गई है। और बच्चे पूछ रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे मार्क्स बने, तो ऐसा ही 2018 वाली भर्ती में भी हुआ था। ये कोई नई बात नहीं है, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़े हैं, तो बहुतों के मार्क्स 20, 25, 30, 35। तो यही 2018 ग्रुप डी में भी हुआ था और ELP टेक्नीशियन वाली भर्ती में भी बहुत सारे लोगों के नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बहुत बढ़ गए थे। तो उस टाइम पे भी ये नॉर्मलाइजेशन का एक खेल हुआ था और बहुत सारे बच्चे परेशान हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या करें। एक तो बच्चों ने 2 साल तक वेट किया इसका एग्ज़ाम का, उसके ऊपर से फिर एग्ज़ाम बहुत सारे शिफ्टों में हुआ और कितने किलोमीटर दूर जाके बच्चों ने एग्ज़ाम पेपर दिया, बहुत सारी मेहनत की, बहुत टाइम खर्च हुआ, पैसा खर्च हुआ, और इतना इतना टाइम से बच्चे रिज़ल्ट को वेट कर रहे थे। और फाइनली जब रिज़ल्ट आया तो इस तरीके से कट ऑफ लगा दी, और हाई कट ऑफ जिसका किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया था कि इतनी हाई कट ऑफ जाएगी इसके लिए। और किसी को ये नहीं पता था कि लेवल वाइज जाएगी, लग तो रहा था कि कट ऑफ में थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन लेवल वाइज आप ये लोग कट ऑफ बना देंगे। तो रेलवे कह रहा है कि उसने पहले ही बताया था अपने नोटिफिकेशन में कि लेवल वाइज हम कट ऑफ लेके आएंगे और एक कैंडिडेट का एक से ज़्यादा लेवल में भी सिलेक्शन हो सकता है, और फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो किसी एक पोस्ट के लिए होगा, ऐसा वो कह रहा है रेलवे बोर्ड, कि अगर आप लेवल 2, 3, 4, 5 में भी अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो, लेकिन आप अगर आपका जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो वो किसी एक पोस्ट के लिए होगा जिसपे आपके अच्छे मार्क्स होंगे, तो उस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन होगा। और सिंगल स्टेट CBT था, और अगली बार आप जो CBT होगा CBT 2, वो आपके हार्डनेस की मतलब कठिनाई के स्तर के हिसाब से होगा। जैसे कि मैंने लेवल 5 के लिए क्वालिफाई किया तो मेरा क्वेश्चन पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई होगा लेवल 2 के हिसाब से, लेवल 3 के हिसाब से, 4 के हिसाब से, और लेवल इस हिसाब से लेवल का जो लेवल है यानी लेवल जो क्वेश्चन लेवल रहेगा थोड़ा सा हाई रहेगा। तो ये है रेलवे का कहना। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये है कि क्या सर ग्रुप D में भी ऐसे ही होगा, क्या उसकी कट ऑफ भी बहुत हाई जाएगी, 90+ कट ऑफ जाएगी क्या ग्रुप D की? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रुप D की जो पोस्ट होती है लेवल 1 की पोस्ट होती है, सारी पोस्ट लेवल 1 के लिए है, 1800 ग्रेड के लिए है, तो उसमें लेवल का तो मतलब ही नहीं होता, अलग अलग लेवल्स की, सिंगल लेवल की है। तो जोन वाइज आप लोग को कट ऑफ देखने को मिलेगी और हाई कट ऑफ नहीं जाएगी, जितना हाई कट ऑफ आप इसके लिए देख रहे हैं इतना हाई कट ऑफ नहीं जाने वाला है। तो पिछली जो कट ऑफ है उससे थोड़ा बहुत कमी जाएगी, लेकिन उतना हाइक नहीं जाएगी जितना इस कट ऑफ के लिए आप लोग देख रहे हैं, 90+ कट ऑफ ऐसा नहीं होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा हवा चल गया है इसको लेके, क्योंकि NTPC CBT 1 का रिजल्ट देख के बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ग्रुप D में भी ऐसे ही होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो आप लोग जो लोग जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है NTPC CBT 1 में, वो लोग इस वाले एग्ज़ाम के लिए फोकस करें, क्योंकि अभी इस वाले एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस करना, आप उस वाले एग्ज़ाम को अभी तो उसका जो रिजल्ट डिक्लेरेशन होना था अभी हो चुका है, उस पर क्या केस होगा क्या नहीं होगा, रेलवे दूसरा रिजल्ट लेके आएगा नहीं आएगा अभी उसका कुछ पता नहीं है। तो आप फिलहाल जो टाइम आप लोग को अभी मिल रहा है तो उस पर आप लोग ग्रुप D की तैयारी करें,
जिन लोगों का नहीं हुआ है, बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, बहुत लगातार मैसेज आ रहे हैं मुझे, तो मैसेज का रिप्लाई देने में भी मुझे अजीब सा फील हो रहा है, तो उसका रिप्लाई भी नहीं मैं दे पा रहा हूँ आप लोगों के परेशानी देखते हुए कि आप लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं। तो आप लोग मेरे रिजल्ट को लेकर पूछ रहे हैं कि सर आपका रिजल्ट कैसा रहा, तो मेरा रिजल्ट भी जो आप लोग को मैं दिखा दूंगा कितने मेरे मार्क्स रहे, क्या रहे, कितनी कट ऑफ से मैं भी थोड़ा बहुत ही बचा हुआ हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा मैं भी बच गया हूँ कट ऑफ में, तो क्योंकि मैं ग्रेजुएट लेवल से मैंने भरा हुआ था, ग्रेजुएट लेवल से भी मैं ग्रेजुएट मेरी है, ग्रेजुएशन मेरी है, तो मैंने ग्रेजुएशन लेवल में ग्रेजुएट लेवल 5 में मेरा हो गया। तो ये है मेरा रिजल्ट, और इसमें देख सकते हैं मैंने 100 क्वेश्चन आए थे और 92 अटैम्प्ट करे थे, और टोटल आंसर क्वेश्चन जो राइट थे वो 74 थे, और जो गलत हो गए थे वो 18 क्वेश्चन गलत हो गए थे, तो रॉ मार्क्स जो मेरा था 68 के आसपास था, तो नॉर्मलाइज होकर ये हो गया 79.22, तो जिसमें शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन, तो यस आ रहा है लिखा हुआ, तो ये CBT 1 का मेरा रिजल्ट है। और बात करें NTPC CBT 2 के लिए, तो 120 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, और उसके मार्क्स वैसे 100 पे ही कैलकुलेट होते हैं, तो लेकिन इसमें क्या हो गया कि 50 नंबर की आपको GS उसमें रहेगी, और 35 नंबर का आपका मैथ रीजनिंग रहता है, तो GS वाला पार्ट ज़्यादा ज़्यादा है इस पे, तो GS पे आप जो लोग क्लियर हो चुके हैं CBT 1, वो GS पे ज़्यादा फोकस करें, और मैथ रीजनिंग में पाँच पाँच, तो अभी जिन लोगों का CBT 1 क्लियर हो चुका है वो CBT 2 की तैयारी करने लग जाएं। CBT 2 में भी आप लोगों को कट ऑफ का बड़ा हेर फेर देखने को मिलेगा, क्योंकि CBT 2 भी ऐसा नहीं कह सकता इजी है, वो भी हार्ड है, तो CBT 2 में और आपको क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, और टाइमिंग वही है, सेम टाइमिंग में ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग को अटैम्प्ट करना है, तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दें अभी से सीरियस हो गए, तो इस तरीके से आप लोग तैयारी करेंगे, और जिनका नहीं हुआ है सिलेक्शन वो लोग हिम्मत करके ग्रुप डी में अपना फोकस करें, तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है उन्हें रिप्लाई देने की, बहुत ज़्यादा परेशान है कुछ बच्चे, तो कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं, क्योंकि होता है कि अगर आप लोग का सिलेक्शन ना हो तो इतनी मेहनत करने के बाद आप लोग कितना बुरा लग रहा होगा वो आप ही समझ सकते हैं। बाकी और यूट्यूबर्स की तरह मैं आप लोग को कट ऑफ की वीडियो ऐसा नहीं बनाऊंगा कि इतने कट ऑफ जाएगी इस जोन की, इतनी कट ऑफ जाएगी इस जोन की, इतनी कट ऑफ जाएगी, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि NTPC CBT 1 में जितना कट ऑफ गया है 90+, अलग अलग 80+, 90+, इतना कट ऑफ नहीं जाएगा उसके लिए, तो अभी मैं आप लोग को कट ऑफ बता दूंगा कि इतना कट ऑफ जाएगा, इतना कट ऑफ रहेगा, तो फिर आप लोग मुझे बाद में गाली करेंगे कि सर आपने तो इतना कहा था और इतना कट ऑफ गया है, तो कट ऑफ को लेकर आप देख ही सकते हैं कि कैसे कट ऑफ ऊपर नीचे हो रही है, तो नॉमिनेशन का जैसा खेल होता है, और एग्ज़ाम जिस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं उस हिसाब से देखते हुए आप लोग तैयारी अच्छे से करें, तो देखते हैं आगे क्या प्रोसीजर होती है एग्ज़ाम्स की, तो आगे जो भी प्रोसीजर होगी आप लोग को अपडेट कर दिया जाएगा, तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।